आदि उदासीन न्यूज। आदि उदासी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उदासीन संप्रदाय के बारे में। भगवान श्री चंद साहब महाराज जी को उदासीन संप्रदाय में 165 में आचार्य माना गया है। उदासीन संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय है, एक प्रार्थना संप्रदाय है। उदासीन संप्रदाय ब्रह्मा जी के मानस सपुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो आदि मुनि अवतारों से चली आ रही एक प्राचीन संप्रदाय है। स्मृतियाँ पुराण वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ने से पता चलता है कि उदासीन जो साधु जन महात्मा जन तपस्वी जो आदि काल से ही चले आ रहे हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन संसार के कल्याण हित संसार के भले के लिए लगा दिया है। सो आज भी हमारे भारत में जितने भी उदासीन संत जन है संसार के लोगों का भला कर रहे हैं। उदासीन संप्रदाय के बारे में गुरुवाणी में दर्ज है, इस धन कारण शिव संकादक खोज दुभे उदासी और वेद शास्त्रों ग्रंथों में काफ़ी प्रमाण मिलते हैं उदासीन संप्रदाय के बारे में। उदासीन मां चंद्रिका में लिखा है, पंथ उदासीन आदि जानो धारण कीनो परम सजानो चुतरान सुत चारो जई भेष उदास जगत तेई और तपीसर लिखी कनेरे उदासीन जग को नाहे हेरे शंभु सदा है जो अविनाशी सदा रहत है रूप उदासीन त्रेता माही राम अवतारा तीनों रूप उदासी तारा दैंत संगारे देव अवारे ते पृथ्वी के पार उतारे द्रवाशा लौंग नवरिख जोई धर्म उदास तारे जग सोई जनक नृपत सम ज्ञानी सोई जोग पोग में राख्यो गोई अवर नेक बे रिख राऊ कहाँ लग तन नाम गनाऊ कल में संत रेण सिद्ध भे देश पजा माही नरमे। भाव उदासीन मां चंद्रिका की लिखित अनुसार जो कि उदासीन संप्रदाय आदिकाल से ही चली आ रही है, जिसमें भगवान शिव शंकर भगवान राम जी और द्रवाशा ऋषि लौंग ऋषि राजा जनक जो आदि हुए हैं वो सभी उदासीन संत जन हुए हैं महात्मा हुए हैं। गुरु नानक तेह पास जा कीनो साच पपार श्री गुरु पूछे कवन तुम मुख उदास उचार ताको भोजन देत भय श्री गुरु दीन दयाल प्रीत पुरातन परस्पर लखी न शंभु बाल दे आहार अत प्रीत ज्योत लिए साच पदीस गुरु नानक चित प्रेम सो तरा उदासी भेस। उदासीन मत चंद्रिका की लिखित अनुसार जो उदासीन संप्रदाय है आदिकाल से ही चली आ रही एक प्राचीन संप्रदाय है। इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जब भी किसी समय राजे महाराजों को त्याग भावना उत्पन्न होती तो वे उदासीन भेष को ही दान करते थे और सब कुछ छोड़कर जंगल की राह अपनाकर जंगल में जाकर भजन बंदगी करते थे। भाव किसी प्राणी के मन में जब भी राग आता था वे घर बार का त्याग करते और उदासीन संप्रदाय भाव उदासीन मत को ग्रहण करते थे। श्री संत रेण जी महाराज जी ने नानक विजय ग्रंथ के 410 और 411 सफ़े पर जो अंक पर सच्चे सौदे का प्रसंग वर्णन करते समय लिखा है कि जिस समय श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने श्री संत रेण जी से पूछा कि आप कौन साधु हो तो आपका नाम क्या है, उत्तर में श्री संत रेण महाराज जी ने कहा, संत रेण मम नाम है भेष उदासीन जान उदासीन निर्वाण हम वन में रहे महान। ये वचन सुनकर श्री गुरु नानक देव महाराज ने फिर पूछा, जथा गुरु नानक उवाच उदास ने बेख तुम्हारा कापते भेसो कहो उदारा अब हे भयोक चलता हो पुनः किसने बेख चलाओ जटा मुगढ़ सिर ऊपर सोए अंग भूत देख जग मोहे तेज प्रताप दसो दिसाजे देख अज्ञान सुर और ते भाजे फूल माल गल माही सोए देखत सुर नर ताहि सुमोए ब्रह्म अंचला सिर में सैली कसो ने गल खफनी मेली पाए खड़ा मां सुंदर वेश बुझियो नानक आपसो देख कहो महंत बहुर सुखदाई सर्वन करो आप मन लाई भेक सनातन ह्यो हमारा अब ते भ्यो यो न्यो उधारा परंपरा चलता यह आओ परमेश्वर यह भेष चलाओ। इस प्रमाण के अनुसार उदासीन भेख प्राचीन भेष है। भाव उदासीन संप्रदाय एक प्राचीन संप्रदाय है जो गुरु नानक देव महाराज जी और श्री संत रेण महाराज जी से पूछने पर उपरोक्त सिद्ध किया गया है। तथा एक बार नारद जी ने धर्मराज को कहा कि हे भगवान ओ कौन है जिनको नरक में नहीं आना पड़ता, संसार के लोग इस नरक को बहुत ही निंदनीय समझते हैं। और उत्तर में धर्मराज ने कहा,
ज्ञान बंतो ध्वजा जेच जेच विद्या प्रगंता उदासी नगछंती स्वावर्जर्थे च हता नरहा। वारह नाच केत ख्याना अध्याय 277 24 और 26 पर यह श्लोक दर्ज है। ज्ञानी ब्राह्मण आदि और पूर्ण विद्वान स्वामी लिए प्राण देने वाले नौकर और उदासीन महात्मा कभी नरक के दरवाजे पर नहीं आते, इसलिए वेद पुराण आदि ग्रंथों में सिद्ध किया गया है कि उदासीन संप्रदाय आदि काल से चली आ रही एक प्राचीन संप्रदाय है। आज से 5000 बरे पहले श्री कृष्ण भगवान महाराज जी ने अर्जुन प्रति उपदेश देते हुए कहा है, न च मतानि क्रमानि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वादासीन मस्कंतंग तिशु कर्मसु। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 और श्लोक 9 पर दर्ज है। भाव हे अर्जुन, उन कर्मों में आशक्ति रहित और उदासीन साधु के सादर स्थित हुए मेरे को वे कर्म नहीं बांधते। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अपने आप को उदासीन साधु की तरह बताया है। अगर पहले उदासीन साधु थे तब ही भगवान ने ये प्रमाण दिया है। रामायण में भी श्री तुलसीदास महाराज जी ने त्रेता युग में उदासीन महात्माओं का होना सिद्ध किया है। रामायण के अयोध्या कांड 2:28 से आगे कई ने जब वर मांगा श्री राम भगवान 14 वर्ष वनवास के लिए, तो रामायण में दर्ज है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भाव तपस्वियों का भेष राम भगवान धारण करें और सब तपस्वियों में से उदासीन संप्रदाय एक विशेष है। तथा इसी तुलसीदास रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी महाराज जब प्रयागराज पहुँचे तब तपस्वी सिद्ध मुनि उदासी आदि दर्शन करने के लिए आए। जथा यह सुदी पाए प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ स्वान सुहाए। यह श्लोक अयोध्या कांड 2:107 पर दर्ज है। इसमें बटु ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि त्यागी सिद्ध उदासी आदि लिखे हैं, जहाँ पर सिद्ध किया गया है कि त्रेता युग में उदासीन संप्रदाय मौजूद थी। तथा इसे अयोध्या कांड 209 से आगे भरद्वाज भरत को कहते हैं, सुनो भगत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन में रहीं। भाव हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, उदासीन तपस्वी हैं और बन में रहते हैं। जहां पर सिद्ध किया गया है कि उदासीन जो संप्रदाय है त्रेता युग में भी मौजूद थी, क्योंकि संतान ऋषियाँ महापुरुषों के बारे में लिखा मिलता है कि उदासीन जो संप्रदाय उदासीन मत है जो विशिष्ट तृतीय युग में हुए हैं, उदासीन सोपवीता कमंडल बक्ष सुतरीना जटला समसला शांता असीना ध्यान तत्परा सप्त ऋषियो वशिष्ठ च कार्यो भार्या समन्विता गौतम सच भरद्वाजो विश्वामित्र सच कश्यपहा जब दंगनीर वशिष्ठो अत्रि सप्त वैव स्वतंत्र हो हेमार्दी निर्वृत चतुर्वर्ग चिंतामणि वर्त खंड पृष्ठ 109 पर दर्ज है। इन उपरोक्त लिखे गए श्लोकों में ऋषियों के स्वरूप और उदासीन संप्रदाय का वर्णन किया गया है। वैव स्वत मानवंत्र में भगवतम भरद्वाज विश्वामित्र कश्यप जमदग्नि वशिष्ठ अत्रि ये सत ऋषि हैं, इनकी संप्रदाय भी उदासीन है। उदासीन संप्रदाय की प्राचीनता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। स्रोत मुनिचरिता मृत के सफ़े 159 से लेकर 164 तक उदासीन मत के जो पहले उदासीन संत कुमार आदि जो ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं हंसावतार से उपदेश लेकर चतुर्थाश्रमी उदासी कहलाई। श्री मद भगवत के स्कंद 11:13 के प्रमाणा से सिद्ध किए गए हैं। संत कुमार से लेकर परंपरा से उदासीन संप्रदाय की गुरुप्रणाली चली आ रही है जो हर एक उदासीन महात्मा को याद होती है, जिस गुरुप्रणाली में बड़े बड़े सिद्ध मुनि और अवतार आते हैं जिनकी गिनती होती है। इसमें बोलने जहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। सोविशेष से विस्तार से देखा जाए तो उदासीन संप्रदाय एक प्राचीन उदासीन संप्रदाय है जो आदिकाल से चली आ रही संप्रदाय है। उदासीन संप्रदाय की प्राचीनता के बारे में वेद शास्त्र ग्रंथों में बहुत प्रमाण मिलते हैं, किंतु मैं इसमें कम बताए हैं क्योंकि समझदारों को इनमें से ही ज्ञान मिल सकता है।